हमारे जीवन में क्या डिप्रेशन है, क्या एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन देखिए क्या होती है लोगों की, भाई क्या हुआ यार, हाँ यार बताया तो बड़ा परेशान लग रहा, और यार मैंने कल देखा यार साला ड्राइवर, और यार वहां से जा रहा था और पापा को छोड़ के ऑफिस से घर आ रहा था, मैंने देखा एसी चला के गाड़ी चला रहा था। ये परेशानी होती है। अब वो उस ड्राइवर के खिलाफ है, तू एसी को चलाता है, वो कहता है बाबूजी आज के बाद नहीं चलाऊंगा, वो फिर चलाता है जब तक पकड़ा ना जाए, अब तो वो जरूर चलाएगा। ये दुख है, वो बंदा रोता है, ध्यान मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सामान दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, आईफोन भी दे दिया। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, सर मैंने पिछले हफ्ते उसे आईफोन भी गिफ्ट किया था, उनका बस सारा कोटा खत्म कर दिया, कदे क्यों दे दिया, आईफोन दे दिया, कोटा खत्म हो गया, अब तो वो बात भी नहीं करती। मैंने कहा दिया तो किसी और से बात करने, अब तुझसे क्या करेंगे बात करके, तू तो गुड्डू है, तूने तो बात नहीं की, तूने तो आईफोन देना था। पटी पटाई को पटाने की कोशिश कर रहे हो, वो आईफोन लेने के लिए तैयार है तो पट तो चुकी है, अब आईफोन दे के क्यों पटा रहे हो, अगले दिन से बहाना बनाओ कि पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे, जान तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं। अगर आपने दे दिया कोटा खत्म। इसलिए आप जब किसी को बहुत ज्यादा कुछ दे बैठते हैं आपका कोटा खत्म होता है। जिस बच्चे को माता पिता अपना बहुत कुछ दे बैठते हैं उसके साथ उसका लेन देन कट जाता है, जैसे ही लेन देन कट जाता है वो रिश्ता बिछो तमाम। आप किसी को इतना ज्यादा समय दे रहे हैं अपने जीवन का, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, बिछो कट खत्म। आपने एक साल में 100 बार बात करनी है अपने जीवन के अंदर किसी व्यक्ति से, और आपने 150 दिन में कर ली, बाद में अचानक वो व्यक्ति बाहर चला जाएगा और भूल जाएगा। सर जो लव होता है एक्चुअल में वाला प्रेम, जिसमें फिजिकल की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें भी ट्रांजेक्शन होती है, वो भी इन्होंने पूछा। जो लव होता है, जो असल में प्रेम होता है, जो फिजिकल नहीं होता, वो मजबूरी का होता है, कोटा घटाता है क्या वो भी? वो मजबूरी का होता है क्योंकि फिजिकल हो नहीं पाते, इसलिए सारा की सारी एनर्जी दिमाग में चली जाती है। तो जो डिवोशन है वो डिवोशन भक्ति है, जो मीरा का हुआ वो भक्ति है, वो कोटा घटाएगा, वो भक्ति है। इतना पागल हो गई कि मिले नहीं कृष्ण, लेकिन किस चक्कर में थी, आत्मा मन में ही कृष्ण पा लिए थे, शरीर के ऊपर की स्थिति है। भक्ति जो है, जो परम पद कहते हैं, कैवल्य है, निर्वाण है, उसके ऊपर आती है भक्ति, और भी ऊपर आती है। मतलब भक्त और भगवान एक हो गए, आपने भक्ति नहीं बने, आप भगवान को स्वयं में आत्मसात प्राप्त कर चुके हो। भक्त का मतलब है नथिंग, नो थिंग, जीरो हो गया, आगे जा चुका है वो उसकी भक्ति में। जो डीप लवर्स होते हैं, भक्त को कभी भगवान नहीं मिलता क्योंकि भगवान अंदर आ चुका होता है। लैला और मजनू भक्त थे एक दूसरे के, इतने प्रेम वाली भक्ति थी। सोनी महिवाल, ये सारे क्यों बने, क्यों नाम है, क्योंकि ये बॉडी से मिल नहीं सके तो मजबूर हो गए प्यार करने को। आप बॉडी से ज्यादा किसी से मिलो प्रेम कम हो जाएगा, क्योंकि टिंकू खा जाएगा एनर्जी, मन की एनर्जी इन दोनों से छूटेगी तब प्रेम करोगे। ये मत सोचो मन प्रेम करता है, मन प्यार नहीं करता। दोस्तों के साथ हम ज्यादा मिलते हैं, उनके साथ नहीं। ये बड़ी प्यारा प्रश्न है कि दोस्तों से हम ज्यादा मिलते हैं, दोस्तों से हम क्यों मिलते हैं। जब जीवन में स्थिति बनती है जीवन की ऐसे कि हम लोगों की मानसिक ऊर्जा संतुष्ट हो चुकी है, कई लोग संतुष्ट कर लेते हैं, यार कमा लिया यार, घर हो गया यार, बिजनेस ठीक, बिजनेस नौकरी ठीक चल रही है यार, चलो यार ठीक ठीक बैलेंस भी है, और यार अब चलो बच्चे बच्चे सेट, बढ़िया यार, अब चलो यार अपना दोस्ती यारी मस्ती खेलेंगे। तब ना मनुष्य बाहर की ओर जाना शुरू करता है प्रसन्नता में, और फिर वो ढूंढता है यार कुछ खुश बंदे चाहिए यार, चार बंदे उनसे कभी कभी मिलेंगे यार, रोज मिलेंगे, सैर पे मिल लिए, जिम में मिल लिए, शाम को चाय पे मिल लिए, और मिल करके क्या होता है, हा, और सुना यार, बढ़िया यार, बहुत अच्छा यार। उस जो दोस्ती के मुद्दे पे आदमी कंटिन्यू करता है रिलेशनशिप या स्त्री रखे, उसको शरीर मूव करना जरूरी है। आप यदि दोस्ती कर रहे हैं और शरीर मूव नहीं करते, सिर्फ बैठे हुए हैं, व्यर्थ है, आप कड़वे होने शुरू हो जाओगे। ये अधिकतर स्त्रियों के साथ समस्या होती है, वो बड़े बूढ़ी हो जाने के बाद शरीर नहीं चलाती, बैठी रहती हैं, क्या कर रही है तू, क्या बनाया, नमक तो डालना आता नहीं तुझे, क्या सीख के आया, और ये आया क्या, वो आया ये नहीं आया, उसने दिया लिया, इतना ज्यादा लेन देन होता औरों की लाइफ में, शरीर खराब होने लगता है। इसलिए आधार खराब होता है, आधार कार्ड खराब होता है सबसे पहले, कमर घुटने नास पिट जाता है। बॉडी क्या करती है, भूख घटा देती है, शरीर को तो डेडी कर देती है ना, आपके शरीर को ऊर्जा मिलने लायक आपने छोड़ा ही नहीं, आपको स्यापे पड़े हुए। उल्टा आदमी क्या करता है, सर दफा कर, घर दफा कर, वो दफा कर, चल दोस्तों के पास। कितना सुंदर तरीका है स्वार्थी होने का। बुद्ध जैसा स्वार्थी धरती पे कोई नहीं था, अपने सुख के लिए साला त्यागा, दफा कर, महल भी और बीवी भी और बच्चा भी। कुछ लोग मेंटली बिठाते हैं, वो क्या मतलब करते हैं कि बिल्कुल
और माइंड से रिलैक्स रहते, कोई परवाह नहीं, सब कुछ हाँ, तो जो माइंड से रिलैक्स रहते हैं, माइंड से रिलैक्स सिर्फ स्वार्थी इंसान हो सकता है। जिसको दूसरों की लाइफ का स्यापा फंसा है वो माइंड से कभी रिलैक्स नहीं होता, और जिसको अपनी लाइफ से स्यापा फंसा है वो स्वार्थी होता है। स्वयं में अर्थ होना स्वार्थी होता है, कि मैं स्वयं में अर्थ रखता हूं। स्वयं में स्थित होना स्वस्थ होता है। स्वस्थ आदमी कौन है? आप उससे बात करोगे, उसके पास बात ही नहीं होगी, वो सुनेगा बहुत, या वो ये बात करेगा इसराइल ने अब नया बम खरीदा, टर्की ने नए रॉकेट खरीद लिए रशिया से, वो ये नहीं कहेगा पड़ोसी के ये हो रहा, मेरे बच्चे के ये हुआ, मेरी चाची ने वो किया। जो इंसान ये बात कर रहा ना, बेटा नहीं सुनता, बहन नहीं सुनती, चाचा नहीं, मैं वो स्वार्थी नहीं है, वो औरों के स्यापों में फंसा है। अब वो क्या करता है, उसे कहीं निस्वार्थी बनना होता है, तो मंदिर चला जाता है, भगवान मैंने ये पूजा की, मैंने ये पाठ किया, मैंने केले बांटे, मैं बड़ा निस्वार्थी हूँ। निस्वार्थी सिर्फ वो हो सकता है जिसको कोई स्यापा नहीं। आपका बेटा फेल हो गया, आप क्या करोगे? मम्मी तो बाप को भड़का के दुम्बा बना देगी पीट पीट के, क्या इतना जिगरा होगा? कोई बात नहीं बेटा, अगली बार देखी जाएगी, उससे अगली बार देखी जाएगी। आप बच्चे को प्रेम दोगे ना, पलट के वो प्रेम ही देगा। आप जैसे जिसको जो दे दोगे उससे वही मिल सकता है। अगर उससे वो नहीं मिला पलट के, तो कट, यानी कोटा समाप्त हो चुका है। आपके जीवन में आपको ईश्वर ने जितने सांस देने हैं आप उखाड़ लो, क्या एक्स्ट्रा लोगे? आप लंबी उम्र बढ़ानी है, कैसे करोगे? कोटा बढ़ाने से। कोटा कैसे बढ़ेगा? 12% फिक्स है और वो कोई नहीं ला सकता, बाकी फ्री। 12 से मुक्त होना सीख लो, 12 को अपनी जगह काम कर लेने दो, आप बढ़ाओ। सांस कैसे बढ़ेगी? बाद में क्या कर रहे हैं सारे बुजुर्ग लोग जो बीमार हैं, सारे क्या कर रहे हैं? प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें। क्या हो रहा है ये योगा के नाम पे? ये पहले हुआ करता था हमारे गुरुकुल में, अंग्रेजों ने गुरुकुल उड़ा दिए, वहां तो होता ही शरीर के ऊपर था। फॉरन में सारा यही काम सिखाया जाता है, आग लगेगी तो कैसे बचेंगे, इसकी ड्रिल होती है बच्चों की महीने में एक बार, हमारे यहाँ पूरे जन्म में एक बार भी नहीं, इसलिए वहां आग लगती बच जाते हैं। वहां बच्चों को सिखाया जाता है चैरिटी वर्क क्या होता है, हमारे यहाँ तो इसलिए करते हैं राम जी के कुनबे में मिलेगा एक स्वीट, एक रूम वहां फिक्स एसी वाला, हम साला दान करके राजी नहीं जब तक उसमें कोई फायदा नहीं दिखे, वो दान नहीं है, वो दुख का कारण है, वो सेल्फ इंप्रेस हो रहे हैं। जब तक आप स्वार्थी होना नहीं सीखेंगे जीवन सफल कैसे होगा? कृष्ण महास्वार्थी, कितना मतलबी आदमी था, अर्जुन को बोला मेरी सुन, मेरे को छोड़ दे, खत्म, खिलौना बन जा मेरा,